बच्चों, इससे पहले हमने तुम्हें बता दिया था कुछ रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम पिछली वीडियो में। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, लेसन टू है अम्ल क्षारक एवं लवण केमिस्ट्री का। यह पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? अब तुम्हें पता है पीतल और तांबा क्या होती है, धातुएं होती हैं और अम्लीय प्रकृति में पाई जाती हैं। तो आओ क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर इसका, क्वेश्चन का। दही एवं खट्टे पदार्थ प्रकृति में अम्लीय होते हैं, पीतल तथा तांबा दोनों धातुएं हैं, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं। और लवण कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। पीतल एवं तांबों के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखनी मतलब क्या करना चाहिए, ये क्या होते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, पीतल व तांबा क्या होते हैं, धातु होते हैं, धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनते हैं, लवण। और लवण जब बनाते हैं तो लवण क्या होता है, विषैले, जो हमारे खाने मतलब हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या, दही एवं खट्टे पदार्थ किसमें, तांबे और पीतल के बर्तन में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अम्ल क्या होता है, जब खट्टे पदार्थ हो उनमें अम्ल पाया जाता है। और पीतल और तांबा क्या है, धातुएं हैं, जब वे उनसे अभिक्रिया कर लेंगी, जब धातुएं मतलब खट्टे पदार्थ धातु में रखा जाएगा तो वो रिएक्शन करेंगी, जिससे क्या बनेगा, लवण बनेगा। और लवण कैसे होते हैं, विषैले। इसलिए ही हमें दही पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यता कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब देखो, कोई एक धातु ले लेते हैं, हमने लिया जेडन, जेडन जिंक क्या है, ये एक धातु है, और H2SO4 क्या है तुम्हारा, अम्ल, इसकी रिएक्शन हो रही है, ZnSO4 से जाके मिल जाएगा, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब तुम्हें बता देते हैं हम, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, असल में कई मतलब जब भी ये रिएक्शन होती है, हमेशा याद रखना हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी जब अम्ल की धातुओं से रिएक्शन होगी। तो तुम्हारी क्या, H2 हाइड्रोजन गैस निकल, अतः जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ये दो क्वेश्चन सही से देखना और याद करना, अपनी तैयारी करते रहो, डेली पढ़ते रहो और रोज रोज रिपीट करते रहो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है, ठीक है। क्या हुआ, पीतल तांबा क्या है, धातुएं, और धातुएं अम्ल से भी मतलब अम्ल से भी क्रिया करती हैं तो लवण बनाती है, लवण विषैले होते हैं, इसलिए हमें क्या, तांबे और तांबे पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। और सामान्यतः क्या होता है तुम्हारा, जब धातु की रिएक्शन अम्ल से होती है तो अधिकतर हाइड्रोजन गैस ही निकलती है।